गुजरात दंगों के दौरान हुए नरोदा कांड के सभी 86 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए जा सके हैं आरोपियों के खिलाफ। इस मामले में बीजेपी की मंत्री और नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल समेत 86 आरोपी थे, जिनमें से अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस कांड के दौरान 11 लोगों की मौत हुई थी। गोधरा कांड के अगले दिन 28 फरवरी 2002 को नरोदा गाँव में बंद बुलाया गया था। बाजार बंद कराने पहुंची भीड़ यहां पर आगजनी पर उतर आई, पत्थरबाजी की गई और उसके बाद दंगे भड़क गए, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। ये दंगे इसके बाद नरोदा से फैलते हुए पाटिया तक पहुंचे, जहां पर 97 लोगों की मौत हुई थी और फिर ये आग पूरे गुजरात में फैल गई। लेकिन अब इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। माया कोडनानी को SIT ने आरोपी बनाया था इस मामले में। हालांकि माया कोडनानी तर्क देती रही है कि वो उस समय विधानसभा में मौजूद थी, ना कि नरोदा गांव में, तब जबकि ये दंगे हुए थे।